कल्याण पश्चिम मल्हार नगर परिसरातील प्रभाग क्रमांक 30 मधील भाजपच्या अधिकृत उमेदवार नरेंद्र पुरोहित यांनी या परिसराचा विकास करण्याचा विडा उचलला आहे. मल्हार नगर परिसरात ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांचा पाठपुरावा करून परिसराचा विकास आणि परिसरातील नागरिकांना सहकार्य करेल असे नरेंद्र पुरोहित यांनी इंडिया टीव्ही न्यूजशी बोलताना सांगितले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. वार्ड क्रमांक 30 से बीजेपी का उम्मीदवार हूँ मैं और बीजेपी के हमारे खासदार कपिल दिलीप पाटिल और नरेंद्र जी पवार आमदार ने जो भरोसा मुझ पर दिखाया है उस पर मैं पूरा खरा उतरने के पूरा प्रयास करूंगा. वार्ड नंबर 30 एरिया मल्हार नगर. यहाँ की जो मूलभूत समस्या है जैसे यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, पानी की काफी सारी समस्या है. इन समस्याओं पर पूरा मुझे काम करना है और लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे चुन के दे और मैं उनकी सारी ये समस्याएं दूर करने का प्रयास करूँ. हाँ, नागरिकों को कैसे है कि एक्चुअली कोई चुन के आने का 5 साल तक अपना मुंह ही नहीं दिखाता, ये सबसे बड़ी समस्या है. तो मेरा ऐसा है विजन कि एक तो टोल फ्री नंबर होना चाहिए, यहाँ पे कभी भी कोई भी समस्या है तो कोई भी नागरिक कभी भी टच में रहे. दूसरा, हर एरिया में एक नगर सेवक होना चाहिए. मीन्स मेरा जो प्रतिनिधि हो, जो वहां पे कोई समस्या है, जैसे यहाँ पे हमारा मल्हार नगर है, तो मल्हार नगर में डायरेक्टली कोई मुझे नहीं मिल पाया या मैं नहीं हूँ तो फटाफट उसको बताया उसने और ताबड़तो मुझे मैसेज मिला और जितना जल्दी हो सके वहां पे पहुंचे और समस्या दूर करें. बीजेपी जो अभी राज्य में भी है और सेंट्रल में भी बीजेपी का राज्य है, हमारे मोदी जी ने जो कल्याण को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, सबसे बड़ा तो वही रीजन है कि अगर कल्याण को डेवलप करना है तो बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का महापौर बिठाओ. उसके लिए हर वार्ड से बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आना चाहिए. और मैं स्थानिक हूँ, यहाँ लोगों के बीच में ही बड़ा हुआ, लोग अच्छे से जानते हैं मुझे और लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, मुझे भरोसा. जी, मैं बीजेपी के साथ गए 4 महीनों से. नाराज एक्चुअली किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि जब 11-12 कैंडिडेट कहीं से इच्छुक हो गए तो नेचुरल है कि टिकट एक को ही मिलना है. मुझे उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे अपना छोटा भाई समझे और मेरे साथ सहयोग करे और ये सीट पे बीजेपी का चिन्ह चुन के आए, ऐसा काम करे.